इस जैन कहानी के भाग एक में हमने देखा था कि किस तरह से शिल्पकार की हत्या हो गई और पंचायत प्रमुख का बेटा जिसने शिल्पकार की हत्या की थी पत्थर मारकर, वह भी बच गया। गांव वालों से झूठ बुलवाया गया, कोई गवाही देने के लिए नहीं आया आगे और वह बेटा छूट कर घर आ गया। लेकिन वह पश्चाताप से भरा हुआ था और अब सुबह शाम उस मंदिर में जहां शिल्पकार द्वारा बनाई गई वह अनूठी मूर्ति रखी गई थी उसकी पूजा किया करता था। आप भाग एक को अच्छी तरह से पिछली वीडियो में सुन सकते हैं। इस भाग दो में हम इस कहानी को और आगे ले जाते हैं। समय बीतता चला गया और पंचायत के प्रमुख की मृत्यु हो चुकी थी और उसका बेटा जो सुबह शाम पूजा किया करता था, जिसने शिल्पकार की पत्थर मारकर हत्या की थी, अब वह उस मंदिर में जाकर दिन रात मंदिर या उसके आसपास ही दिखाई देता, उस मूर्ति के आसपास ही दिखाई देता। उसने घर छोड़ दिया था। अब वह या तो उस मंदिर की मूर्ति के आगे बैठकर रोता रहता और या फिर मंदिर के आसपास घूमते रहता। उसका खाना पीना भी बहुत कम हो गया था और वो बहुत पतला दुबला हो गया, कमजोर हो गया। एक बार गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इसको बहुत पछतावा होने लगा है और पछतावे के कारण अब यह सोचने और समझने की शक्ति भी खोता चला जा रहा है और बहुत रोने लगा है। तो क्यों न शिल्पकार के बेटे को बुलाया जाए और इससे बात कराई जाए, शायद इसको थोड़ी राहत मिले कि शिल्पकार के बेटे को इसके प्रति कोई रंज नहीं है और जो हुआ वह हुआ, अब उसको भुला देना चाहिए। शिल्पकार के बेटे को बुलाया गया, उसकी बात कराई गई। शिल्पकार के बेटे ने कहा कि आप तो मेरे बड़े भाई के समान हो, मुझे तो आपके प्रति कोई दोष नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई रोष नहीं, कोई गुस्सा नहीं, जो हुआ सो हुआ, शायद यही नियति थी, शायद यही भगवान की मर्जी थी, अब आप क्यों इतना परेशान हैं। तब उसने कहा कि अगर उससे सजा मिल गई होती, आज उसके बाप के कारण ही वह परेशान है, अगर उससे सजा मिल गई होती तो आज वह अंदर से इतना भारी नहीं होता, इतना पश्चाताप से भरा हुआ नहीं होता। अब वह अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर जल रहा है और इसके लिए अपने बाप को जिम्मेदार मानता है। अपनी गलती तो मानता ही है, साथ में अपने बाप को जिम्मेदार मानता है जिसने गांव वालों से झूठ बुलवाया और किसी को गवाही के लिए आगे नहीं आने दिया। अगर आज मुझे मेरे कृत्य की सजा मिल गई होती तो मैं इतना नहीं घुट रहा होता। अब मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं, कहां जाऊं, कौन मेरी सुनेगा, इसलिए मैं रोता रहता हूं और इस मूर्ति के आगे जिसने मुझे पुत्र मोहवश हत्या करने को मजबूर कर दिया था, अब मैं इस मूर्ति के आगे ही नाक रगड़ता हूं, इसी से माफी मांगता हूं, मगर यह बोलती नहीं। कभी मुझे लगता है कि यह बोलने वाली है, इसलिए मैं इसके आगे से हटना नहीं चाहता क्योंकि यह कभी भी बोल जाएगी, लेकिन यह बोलती नहीं। मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सोच लिया है कि यह मूर्ति मुझे जब तक माफ नहीं करेगी अब मैं यही मंदिर में ही रहूंगा, इसीलिए मैंने घर भी छोड़ दिया है, इसके सामने ही बैठा रहूंगा। और एक दिन भीषण वर्षा हुई, रात में बिजली गिरी और
ठीक उस मूर्ति के ऊपर बिजली गिरी। उस मूर्ति पर बिजली गिरने के कारण मूर्ति भी टूट गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब पंचायत प्रधान और पंचायत प्रधान के बेटे की दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन बेटे का बेटा जो बहुत छोटा था उस समय जब शिल्पकार की हत्या हुई थी, मात्र 5 साल का था, अब वह 30 साल का हो चुका था। उसकी उम्र उस समय 5 साल की थी, लेकिन आज भी हाथ पर लगे मूर्ति के रंग के निशानों की फोटो जो पुलिस ने ली थी, वह उसे आज भी याद है। वह आज तक बार बार अपने हाथों को देखता है। उसके जीवन में भी एक दहशत है, उसके दिल में भी एक डर बैठा हुआ है। उसे आज भी याद है कि कैसे बाप ने पत्थर मारा था, कैसे मैंने अचानक दौड़ के आकर सीधे मूर्ति की आंख को छू लिया था, और कैसे बाप के पत्थर मारने से मूर्तिकार चाचा जमीन में गिर गए थे, कैसे खून का फव्वारा उनके सर से फूटा था। यह उस बच्चे को बार बार याद आता है। यह बात उसके दिल में रह गई और गहरे में बैठ गई है। एक दिन बच्चे की निर्दोषता को देखकर और उसके मन में पड़ रहे प्रभावों को देखकर कलेक्टर ने, जिसने गांव के बाहर द्वार पर मूर्ति बनवाई थी, उसने मूर्तिकार के बेटे को बुलवाया और उससे कहा कि इस लड़के को अपने साथ काम सिखाओ, यह रचनात्मक कार्य में रुचि लेगा और धीरे धीरे इसके अंदर से जो सदमा बैठा हुआ है वह भी निकल जाएगा और इसका भला होगा, तभी यह बच्चा संभल पाएगा, नहीं तो यह इसकी भी ऐसी ही स्थिति हो जाएगी जैसे इसके बाप की हुई है। तब से वह बच्चा मूर्तिकार के, शिल्पकार के बेटे के काम में हाथ बटाता था और थोड़ा बहुत काम अब खुद करने भी लगा था। एक दिन कलेक्टर अपनी नौकरी से रिटायर हो गया और सीधे गांव में उस मूर्तिकार के घर आया और उसने मूर्तिकार के बेटे से कहा कि वह शिल्पकार चाचा को बहुत प्यार करता है, उनसे बहुत लगाव रखता था और वह खुद भी अपने जीवन में एक शिल्पकार बनना चाहता था, मगर उसकी किस्मत में यह काम नहीं था क्योंकि उसने तो सरकारी काम करना था। मगर अब वह अपना बचा हुआ जीवन भगवान के ध्यान में लगाना चाहता है ताकि वह समाज के लिए भी कुछ कर सके और उस भगवान को शिल्पकार के माध्यम से उन मूर्तियों में देख सके, उन बनती हुई मूर्तियों में देख सके कि कैसे एक एक मूर्ति को वह अपने हाथों से गढ़ता है, कैसे एक एक व्यक्ति को वह अपने हाथों से गढ़ता है 9 महीने गर्भ में, लेकिन इसको कोई भी नहीं देख पाता। मुझे शिल्पकार में वह बनाने वाला, वह कुदरत को बनाने वाला दिखाई देता है और मैं ध्यान में चले जाता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा ध्यान उस मुकाम पर पहुंच जाए जहां मैं भी ध्यानरत होकर इस जीवन से मुक्त हो सकूं। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं मुंबई में समुद्र की खाड़ी के निकट एक स्कूल खोलूंगा जहां बच्चे शिल्पकला, मूर्तिकला सीखें, और शिल्पकार के बेटे से कहा कि तुम उस स्कूल को चलाओगे, बच्चों को सिखाओगे और उस स्कूल का नाम तुम्हारे पिताजी शिल्पकार चाचा के नाम पर रखा जाएगा और तुम्हारे साथ यह पंचायत प्रमुख के बेटे का बेटा भी जाएगा
जो तुम्हारे सहायक का कार्य करेगा। तुम दोनों ने मिलकर यह स्कूल चलाना है और साथ ही अपनी शिल्पकारिता को भी दुनिया तक पहुंचाना है। जो शिल्पकार चाचा नहीं कर पाए वह तुमने करके दिखाना है। यह भी एक सेवा है। अगले ही हफ्ते सारा काम निपटाने के बाद शिल्पकार का बेटा, पंचायत प्रमुख का बेटा, बेटे का बेटा और कलेक्टर तीनों मुंबई के लिए रवाना हो गए और अगले एक साल में उन्होंने स्कूल तैयार करके वहां छोटे छोटे बच्चों के एडमिशन शुरू कर दिए। शिल्पकार चाचा के नाम पर उस स्कूल का नाम राम गंग राम शिल्पकला स्कूल रख दिया गया। शिल्पकार चाचा का नाम राम गंग राम था। उनका बेटा जिसका नाम श्याम गंग राम है वह उस स्कूल का प्रधानाध्यापक बनाया गया जो पूरे स्कूल को चलाता था और प्रधान के बेटे का बेटा जिसका नाम राम सिखावन था वह उस स्कूल में सहायक टीचर के रूप में कार्यरत हो गया। वह स्कूल में बच्चों को सिखाते और अपनी शिल्पकला, अपनी मूर्तियां भी बनाते। स्कूल काफी अच्छा चलने लगा क्योंकि राम गंग राम एक ख्याति प्राप्त शिल्पकार थे, उनको पूरी दुनिया में लोग जानते थे। और कलेक्टर जो कि स्कूल में आते और घंटों मूर्तियों को बनता हुआ देखकर ध्यान में मग्न हो जाते। वह स्कूल के मैनेजमेंट का हिस्सा थे लेकिन वह सिर्फ यही काम करते थे कि जब भी वह स्कूल में आते और स्कूल में आने के बाद वह बन रही मूर्तियों को देखा करते थे, एकटक देखा करते थे और उसी में उनका ध्यान लग जाता था। वह कहते थे कि मैं इसी में उस बनाने वाले को देखता हूँ और बनाते बनाते हुए देखते देखते मेरा ध्यान लग जाता है, यही मेरी साधना है। उस बनाने वाले को इसी तरह से अवलोकन करना चाहिए जो हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारा ध्यान अपने में ही है। हमारा ध्यान अपनी इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं और अपने भोग विलास में इतना रमा हुआ है कि हमें वह बनाने वाला, वह इस कुदरत को चलाने वाला वह नहीं दिखाई देता। हम तो बाहर दृश्यों में देख रहे हैं, हमारी नजर बाहर पदार्थों में टिक गई है और लोभ, लालच, मोह, तृष्णा ने हमें अंधा और बहरा बना दिया है। हमें तो दिखाई नहीं देता और न हमें सुनाई देता है। हमें वह शिल्पकार नहीं दिखाई देता, हमें उसकी बनाई गई मूर्ति दिखाई देती है लेकिन मूर्ति बोलती नहीं। हम उस मूर्ति से मांगना चाहते हैं, हम उस मूर्ति के पास सुबह शाम जाते हैं। जाना अच्छा है लेकिन जब उस मूर्ति में शिल्पकार भी दिखाई दे, हमें शिल्पकार नहीं दिखाई देता, हमें मूर्ति दिखाई देती है क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर देखने की है और हमारी दृष्टि मांगने की है, अपनी तृष्णाओं को पूरा करने की है। हमें लगता है कि यह मूर्ति दे देगी, हाँ यह मूर्ति दे देगी, लेकिन अगर उसमें उस मूर्तिकार को भी देखा जाए तब यह मूर्ति दे देगी, जो भी मांगो दे देगी, लेकिन मूर्तिकार को देखना होगा। तब उस कलेक्टर ने कहा, मैं मूर्तिकार को देखता हूं, मैं मूर्तिकार को बनाते हुए देखता हूं इसलिए मेरा ध्यान लग जाता है। और कहते हैं कि एक दिन उसी मूर्तिकार को देखते देखते ही, मूर्ति को बनते बनते देखते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वह मुक्त हो गए।
और शाम को स्कूल खत्म होने के बाद, अपना सारा काम खत्म करने के बाद, श्याम गंगराम यानी शिल्पकार चाचा का बेटा और राम खिलावन, राम सिखावन पंचायत प्रधान के बेटे का बेटा, दोनों घूमने जाते थे। यह उनका रोज का नियम था कि वह रोज दोनों स्कूल खत्म होने के बाद, अपनी शिल्पकारिता को खत्म करने के बाद, शाम को रोज टहलने जाते। और रोज कोने में एक मजार थी स्कूल से कुछ दूरी पर, उस मजार के आगे से गुजरते थे। एक दिन श्याम गंगराम किसी काम में व्यस्त रह गए और उस दिन राम सिखावन अकेले ही शाम को घूमने निकल गया। और जैसे ही मजार के पास से गुजरा, उसे पीछे से एक फकीर ने आवाज दी कि भाई इतना बोझा क्यों लादे जा रहे हो, तुम तो इंसान हो, गधे तो नहीं। यह बात तो उसका तो माथा ही ठनक गया कि एक अनजान व्यक्ति मेरे से ऐसा कह रहा है। वो वापस लौट कर आया, फकीर के आगे उसने कहा, आगे आकर उसने कहा कि आप मेरे से कह रहे हैं क्या? उसने फकीर ने कहा, हाँ मैं आपसे ही कह रहा हूं। इतना बोझा तुम क्यों लाद कर चल रहे हो पिछले 30 साल से, तुम तो इंसान हो, गधे तो नहीं। उसने कहा, मैं समझा नहीं। तब फकीर ने कहा कि जब तुम 5 साल के थे, तब से तुमने यह बोझा उठा रखा है, और इसे अगर अभी नहीं उतारा गया तो यह जन्मों जन्मों तक तुम्हारा पीछा वैसे ही करेगा जैसे तुम्हारे बाप का पीछा कर रहा है, क्योंकि वह इस बोझे को लेकर गया है और उसने तुम्हारे मोह में अंधे होने के कारण एक ऐसा जघन्य अपराध किया। लेकिन तुम चाहो तो इसको उतार कर फेंक सकते हो। राम सिखावन ने कहा कि आप कौन हैं और यह सब कैसे जानते हैं, क्योंकि आपको तो मैंने उस गांव में भी कभी नहीं देखा और आपको मैंने कभी पहले इस स्कूल में भी नहीं देखा। तब उसने बताया कि मैं एक फकीर हूं और ऐसे ही घूमते रहता हूं, और मैं तुम्हारी तलाश में ही यहां आया हुआ हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें मुक्त करना है, यही मेरी सेवा है। जिन हाथों पर तू उस मूर्ति के रंग के निशान देखता है आज तक, उस खून के फब्बारे को देखता है जो उस शिल्पकार के सर से निकला था, और पुलिस की पूछताछ और तेरे हाथों की फोटो जो ली गई थी उसको देखता है, इसको अभी धो दे, इसको अभी धो दे, मैं तुझे पानी देता हूं, तेरा कोई कसूर नहीं, तू खाली बेवजह ही इसको ढो रहा है। तुझे तो शिल्पकार ने माफ ही कर दिया था बच्चा समझकर, तभी तो उसने कहा था कि जो होना था हो गया, तुम अब चले जाओ, अब मैं इसे फिर से ठीक कर लूंगा। लेकिन तेरे बाप ने गुनाह किया, उसको सजा मिलनी ही है, तू क्यों भोग रहा है, तू मुक्त हो जा, आजा मैं तुझे मुक्त कर देता हूं। उसने राम सिखावन के पीठ में हाथ फेरा, बस उसके हाथ फेरने की बात थी पीठ में कि राम सिखावन को तो ऐसे लगा जैसे उसके ऊपर कोई भार ही नहीं है, जैसे उसका शरीर ही नहीं है, वह बिना शरीर के चल रहा है, बिना शरीर के खड़ा है। राम सिखावन सन्न रह गया, उसको समझ ही नहीं आया क्या हुआ, वो उड़ने सा लगा और उसने उस फकीर का हाथ पकड़ लिया
तब उसने कहा कि वह इतना हल्का और इतना प्रसन्न कभी नहीं था। यह आपने क्या कर दिया? तब उसने सोचा कि फकीर कुछ मेहनताना मांगेंगे, कुछ मुझसे मांगेंगे, इनको क्या दूं। लेकिन फकीर ने कहा, मुझे तो यह काम करना था, मैं तो इसी काम के लिए तुझे खोजते खोजते आया हूं। लेकिन उस शिल्पकार के बेटे के सामने नहीं कर सकता था, यह भी एक राज है। इसलिए इंतजार कर रहा था कि तू किस दिन अकेले आएगा, और आज तू अकेले आया और तेरा काम हो गया और मेरा भी काम हो गया, अब मैं चले जाऊंगा। लेकिन याद रखना कि तू अब मुक्त है, आज के बाद जिसको भी तू जरूरतमंद समझे और जिसके लिए भी जो हो सके कर देना। और 5 बातें याद रखना, लेने की नहीं, देने की कोशिश करना। तुझे शिल्पकार के उस कृत्य को आगे बढ़ाना है। शिल्पकार ने रंग भरे, शिल्पकार ने उस कुदरत को बनाने वाले की याद लोगों को दिलाई है। तूने देखा ना कैसे वह कलेक्टर मुक्त हो गया। वह कुदरत को बनाने वाले को तुझ में देख देख कर मुक्त हो गया। इसी तरह बहुत से लोग तुझको देख कर मुक्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, कभी भी तेरे अंदर यह ख्याल ना आ जाए कि तू कुछ है, तू कुछ नहीं है। जो भी है वह कुदरत है जो तेरे अंदर खेल खेल रही है। खेल तो हर एक के अंदर खेल रही है, लेकिन कोई देख नहीं पाता। और दूसरी बात, तुझे सब कुछ फ्री में मिला हुआ है और तू भी फ्री में ही देना। कभी तेरे अंदर यह भाव नहीं आना चाहिए कि मेरी मेहनताना मुझे मिलनी चाहिए। चोरी, हिंसा, मान बढ़ाई, अभिमान, अहंकार, लालच और वासना से बचना। अब से यह मान ले कि मैं नहीं हूं, सब वह करणहार है और वही करने वाला है। जो कुदरत को चला रहा है वह तुझ में प्रकट है। तीसरी बात, तेरा कुछ भी नहीं, सब उसी कुदरत का है, उसी कुदरत को चलाने वाले का है, और उसका समझ कर इस्तेमाल करना। यहां कुछ भी फिजूल खर्ची मत करना। और चौथा, जो तेरे साथ तेरे 2 मित्र हैं उसमें से एक ने तो तुझको देखकर ही शरीर छोड़ दिया, वह तो मुक्त हो गया। अब जो तेरा एक मित्र है उसका ख्याल रखना, क्योंकि उन दोनों ने ही तुझे बच्चा समझकर अब तक रखा है, बच्चे की तरह रखा है। कभी उसने यह नहीं सोचा कि तू उसके बाप की मृत्यु का कारण है, बाप की हत्या का कारण है। इसलिए तू निर्दोष है, क्योंकि तुझे शिल्पकार ने भी माफ कर दिया और शिल्पकार के बेटे को कभी यह ख्याल भी नहीं आया कि तू इसका कारण है, नहीं तो तू उसके साथ कैसे होता। तेरी बनाई हर मूर्ति की एक अलग ही बात होगी। यह 5वीं बात है जो तुझे याद रखनी है, कि तू और तेरे अंदर से बन रही वह मूर्ति उस शिल्पकार के द्वारा बनाई जा रही है। इसलिए तू कहीं भी बीच में नहीं है। अब वह शिल्पकार मूर्ति गढ़ेगा, और वह तो देश दुनिया में पहले से ही जाना जाता है, मगर याद रखना कि वही जाना जा रहा है, तू नहीं जाना जा रहा है। इसलिए कभी यह अहंकार और कभी अहम ना आ जाए कि मैंने बनाया है। इसलिए अभिमान मत करना और अपने को बीच में मत लाना। तू फकीर है और तू फकीर ही रहेगा, तेरा काम नहीं रुकेगा, और तू फकीर ही
इस दुनिया से विदा भी हो जाएगा। कहते हैं कि तब से अब तक वह जो भी काम करता है उसमें अपने को हटाकर उस शिल्पकार को आगे ले आता है, और पूरी दुनिया में वह शिल्पकला स्कूल विख्यात हुआ और दुनिया भर से वहां लोग शिल्पकला सीखने आते, और न जाने कितने लोगों को उसने मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि राम गंगराम यानी शिल्पकार चाचा ने अपनी शिल्पकला के माध्यम से वह कुदरत से जुड़ गए, कुदरत ही बन गए, और अपनी इस कुदरत से उन्होंने जो भी लोग उनके पास आए उनको कुदरत में ही मिला दिया, सबको मुक्त कर दिया।